भागलपुर गांव के दुर्गा मंदिर में नवरात्रों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। उसी गांव में दो चुड़ैल सास बहू रहती थी, वो भी उस मंदिर के बाहर खड़ी होकर लगातार मंदिर को देख रही थी। अरे बहू, मेरा भी माँ दुर्गा की पूजा करने का बड़ा मन कर रहा है। जब मैं जिंदा थी तो नवरात्रों में रोज मंदिर आकर माँ की पूजा करती थी, लेकिन अब चाह कर भी नहीं जा सकती। सही कहा सासू माँ, काश हम भूतों को भी दुर्गा माँ मंदिर आने की अनुमति दे देती। अगर हमारे साथ नवरात्रि से पहले वो हादसा नहीं हुआ होता तो आज हम भी दुर्गा माँ की पूजा कर रहे होते। बेलापुर में सास कमला और बहू रचना रहती थी। वो दोनों गरीब थी, उनके पतियों की मौत हो चुकी थी, दोनों ही विधवा थी। उनके बगीचे में बहुत सारे गेंदे के फूल लगे हुए थे, वो उनसे माला बनाकर मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर बेचती थी। मंदिर के बाहर उनकी ठीक बिक्री हो जाती थी। वो दोनों सारी रात बैठकर गेंदे की माला बनाती और फिर उन्हें अगले दिन मंदिर में बेचने निकल जाती। धीरे धीरे उनकी कमाई भी अच्छी होने लगी। अगले दिन से नवरात्रि शुरू होने वाले थे, मंदिर में खूब चहल पहल थी। उस रोज उन दोनों ने ढेर सारी मालाएं बनाई और मंदिर जाने के लिए निकल गई। बहू, आज तो हमने ढेर सारी मालाएं बनाई हैं, लेकिन दुर्गा माँ के इतने भक्त हैं कि कहीं ये कम ना पड़ जाएं। आप ठीक कह रही हैं माँ जी। रात भर उन दोनों ने खूब मेहनत की थी, जिससे वो काफी थक भी गई थी। वो दोनों इसी तरह बात करती हुई जा रही थी कि तभी एक तेज रफ्तार ट्रक आया और उन दोनों को कुचल कर चला गया। दोनों की वहाँ मौत हो गई और वो दोनों चुड़ैल बन गई। जो किस्मत में लिखा था वो हो गया माँ जी, शायद इस बार हमारी किस्मत में ये नवरात्रि देखना था ही नहीं। ऐसी बात नहीं है बहू, अगर हमारी किस्मत में ये नवरात्रि नहीं होती तो अब तक हम मुक्त हो चुके होते। अगर हम मरने के बाद यहाँ हैं तो इसका मतलब कुछ तो अधूरा रह गया है, और जब तक वो पूरा नहीं होगा हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कहा माँ जी, तो चलिए हम आज से ही माँ दुर्गा को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। क्या पता वो हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें मंदिर में आने की अनुमति दे दे और हमारी अंतिम इच्छा पूरी हो जाए। फिर दोनों चुड़ैल सास बहू मंदिर के बाहर ही अपनी तपस्या शुरू कर देती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत गए और आज नवरात्रि का आखिरी दिन था। दोनों चुड़ैल सास बहू अपनी तपस्या में लीन थी कि तभी वहाँ एक तांत्रिक आता है। वो उन्हें आवाज देता है, कौन हो तुम दोनों और यहाँ धरती लोक पर क्या कर रही हो? लेकिन वो तपस्या में इतनी लीन होती है कि तांत्रिक की बात नहीं सुनती। फिर वो तांत्रिक अपने झोले में से भभूत निकालकर उन दोनों के ऊपर छिड़कता है, जिससे वो वहीं जमीन पर गिर जाती हैं। बताओ तुम दोनों कौन हो और यहाँ इस पवित्र जगह के बाहर क्या कर रही हो? तुम दोनों चली जाओ यहाँ से, वरना हम यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। बाबा, आप हमें गलत समझ रहे हैं। वो दोनों उसे सारी बात बताती हैं। तो फिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जब हमारी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम दोनों यहाँ से चली जाएंगी। लेकिन तुम बुरी ताकतें हो, इसलिए तुम ये बात भली भांति जानती हो कि तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। हाँ बाबा, शायद ये नवरात्रि हमारी किस्मत में ही नहीं है, लगता है हमारी तपस्या बेकार ही गई। तुम्हारी तपस्या पूरी हुई और शायद इसीलिए माँ दुर्गा ने रास्ता भटकाते हुए मुझे यहाँ पहुँचा दिया। मैं तुम्हारी मंदिर के अंदर जाने में मदद करूंगा, लेकिन तुम मुझे वादा करो, तुम वहां ना तो कोई विघ्न डालोगी और ना ही किसी इंसान को कष्ट पहुंचाओगी, और पूजा होने के बाद यहां से बहुत दूर चली जाओगी। हाँ, हम वादा करते हैं। फिर तांत्रिक उनके ऊपर गंगा जल छिड़कता है, जिससे वो दोनों फिर से इंसानी रूप में आ जाती हैं। ये देख दोनों बहुत खुश होती हैं। फिर वो दुर्गा माँ के मंदिर में जाती हैं और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करती हैं। पूजा खत्म होने के बाद दोनों वापस उस तांत्रिक के पास जंगल में आ जाती हैं। अब तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी हो गई, अब तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा। हाँ बाबा, अब आप हमें मुक्ति दे दीजिए। हाँ बाबा, अब हमें बस मुक्ति दे दो। तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है और भभूत फेंक कर उनके ऊपर गिराता है, जिससे दोनों सास बहू गायब हो जाती हैं और उन्हें सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। अरे देखो, वहाँ पर तो एक तालाब है। वो वहाँ पर है, हम तो यहाँ कई बार खेलने आए हैं, पर इससे पहले तो ये तालाब कभी नहीं दिखा। हाँ, पर क्या फर्क पड़ता है, चलो ना इस तालाब के पानी में जाकर खेलते हैं। हाँ चलो चलते हैं।
उस सुंदर तालाब को देखकर ये बच्चियाँ खुद को रोक नहीं पाई। जैसे ही बच्चियों ने तालाब के पानी में छलांग लगाई, वो तीनों ही गहराई में समाने लगी। बच्चियाँ डूबने ही वाली थी कि तभी अचानक वो तीनों तालाब के ऊपर आ गई। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तीनों तालाब के ऊपर उड़ रही थी, और फिर उड़ते हुए ही वो तालाब के किनारे भी आ गई। हैं? हम ऊपर कैसे आए? मुझे नहीं मालूम, हम अभी उड़ रहे थे क्या? तुम ठीक तो हो ना? बताओ बताओ मेरी बच्चियों। बचाओ बचाओ, ये तो चुड़ैल है। तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। सच में रुको, मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं, तुम चुड़ैल हो, हमें मार डालोगी तुम। मम्मी, अभी तो तालाब में डूबने से बचे हैं, और अभी ये चुड़ैल हमें मारने आ गई। मैंने ही तुम तीनों को डूबने से बचाया था, और तुम ही बताओ मैं तुम्हें मारूंगी क्यों? क्या सच में हमें डूबने से तुमने बचाया था? हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा बताओ, तुम्हें तैरना आता है क्या, या फिर उड़ना आता है क्या? नहीं ना, मैंने ही तुम तीनों को अपनी शक्ति से तालाब के बाहर निकाला था। वो चुड़ैल देखने में बहुत ही भयानक थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर बच्चियाँ सोच में पड़ गईं। उन्हें अब चुड़ैल की बातों पर विश्वास होने लगा था, लेकिन फिर अचानक। मम्मी। अरे अब क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो तुम? मैं समझ गई, तुमने हमें इसलिए बचाया ताकि तुम हमें खा सको, क्योंकि अगर हम डूब जाते तो तुम खा नहीं पाती ना। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, माना कि मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं वो बुरी वाली चुड़ैल नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, भरोसा करो मुझ पर। अच्छा ठीक है, ऐसा करो तुम तीनों जाओ, वापस अपने घर चली जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। और हाँ, अगर दोबारा कभी मुझसे मिलने का मन करे तो जब मर्जी यहाँ जाना, ठीक है? चुड़ैल की बात सुनते ही उन तीनों लड़कियों ने अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। घबराई बच्चियाँ इतनी तेज दौड़ी कि पलक झपकते ही वो तीनों जंगल से बाहर आ गई। और फिर बच गए आज तो। हाँ सही कहा, वरना वो चुड़ैल खा जाती हमें। नहीं, तुम लोग जरा अकल लगाओ, अगर उसे हमें खाना होता तो हमें वहाँ से जाने थोड़ी ही देती। वो सब छोड़ो और अब चुपचाप घर चलो, और कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, वरना जंगल जाने के लिए बहुत मार पड़ेगी। तीनों बच्चियां समझ नहीं पा रही थीं कि उनकी किस्मत अच्छी थी या वो चुड़ैल अच्छी। कुछ दिन तक तो वो तीनों बच्चियां वापस जंगल नहीं गईं, लेकिन फिर एक दिन। यार एक बात बोलूं, वो जंगल वाले तालाब की बहुत याद आ रही है। पागल है क्या? पता है ना कितना गहरा था वो, तुझे वहाँ डूब कर मरना है क्या? पर वहाँ वो है ना, वो अच्छी चुड़ैल, वो बचा लेगी ना हमें। इसका दिमाग सच में खराब हो गया है। अरे पागल, चुड़ैल कभी अच्छी नहीं होती, वो तो हमेशा बुरी होती है। नहीं यार, मेरा मन कहता है कि वो जरूर अच्छी चुड़ैल है, चलो ना एक बार उससे मिलकर आते हैं। तीनों बच्चियां काफी बहस के बाद आखिरकार जंगल जाकर उस चुड़ैल से दोबारा मिलने के लिए चल दीं। सुनो, कोई तालाब में नहीं कूदेगा, ठीक है ना? हाँ हाँ सही बात है, अगर चुड़ैल इस बार बचाने नहीं आई तब तो खेल हो जाएगा हमारा। हाँ सही है, लेकिन अगर तालाब में नहीं कूदेंगे बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा फिर तो। तो अगर मैं उस तालाब को छोटा कर दूं तो? इतना छोटा कि तुम तीनों उसके अंदर आराम से खेल सको, वो भी बिना डूबे, तो कैसा रहेगा? तुम आ गई? हाँ मैं आ गई अपने दोस्तों से मिलने। हम तुम्हारी दोस्त नहीं है। अच्छा तो फिर मुझसे मिलने दोबारा क्यों आई हो, बोलो। वो तो हम ऐसे ही आ गए, और हम तुमसे डरती नहीं है, समझी? वो तो दिख ही रहा है। मैं समझ गई, तुम यहाँ पानी में खेलने आई हो मगर तालाब की गहराई से डर रही हो, है ना? रुको मैं अभी कुछ करती हूँ। चुड़ैल ने अपने जादू से उस तालाब को छोटा कर दिया। तालाब के छोटे होते ही तीनों लड़कियाँ उसमें कूद पड़ी। अब तालाब का पानी उनकी कमर तक आ रहा था। तीनों बच्चियाँ बहुत खुश थीं, और उन्हें खुश देखकर चुड़ैल भी बहुत खुश थी।
अब तो उस छोटे तालाब में नहाने के लिए तीनों बच्चियां रोज वहां आने लगी। बच्चियों ने चुड़ैल को भी अपनी सहेली बना लिया था। वो तीनों रोज उस चुड़ैल के लिए कुछ न कुछ खाने को लाती और चुड़ैल भी जंगल के अच्छे अच्छे फल उनके लिए तैयार रखती। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन गांव के एक आदमी ने बच्चियों को चुड़ैल के साथ हंसते खेलते देख लिया और फिर वापस आकर गांव के सभी लोगों को बता दिया। तुम तीनों पागल हो गई हो क्या? चुड़ैल से बात करती हो है? पर सरपंच जी, वो अच्छी चुड़ैल है। चुप हो जाओ तुम। हाँ, और खबरदार जो आज के बाद उस तरफ कोई गया तो। हाँ, सरपंच ने जंगल के सामने दो पहरेदार लगा दिए ताकि तीनों बच्चियां या गांव का कोई भी बच्चा जंगल की तरफ ना जा पाए। अब बच्चियां अपनी चुड़ैल सहेली से नहीं मिल पा रही थी, तो दूसरी तरफ जंगल में बच्चियों के बिना चुड़ैल भी दुखी थी। कई दिन बीत गए, फिर एक दिन अचानक गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। गांव के स्कूल की छत ढह गई। उस वक्त कई बच्चियां वहां पढ़ाई कर रही थी। तभी उन तीन बच्चियों में से एक ने कहा, सरपंच जी, मेरी दोनों सहेलियां क्लास के अंदर है, उन्हें बचा लीजिए। चिंता मत करो बेटी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरपंच ने बच्ची को कह तो दिया, लेकिन सभी लोग मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और उधर मलबे में दबी बच्चियां अपनी जान की गुहार लगा रही थी। ये सब देखकर उस बच्ची को उस चुड़ैल की याद आई और वो भागकर जंगल गई और चुड़ैल को जाकर सारी बात बता दी। बच्चियों को बचाने के लिए चुड़ैल फौरन गांव के अंदर चली आई। ये पहली बार था जब वो गांव के लोगों के बीच आई थी। उसे देखकर सभी लोग डर के मारे कांपने लगे। आप लोग डरो नहीं, ये दीदी बहुत अच्छी है, देखना ये सबको बचा लेंगी। बच्ची की बात पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। तभी चुड़ैल ने अपना हाथ घुमाया और उसके जादू से पूरी छत हवा में उड़ने लगी। मलबे में दबी सारी बच्चियां सही सलामत बाहर निकल आईं। इसके बाद चुड़ैल ने देखा कि गांव के सभी लोग उसे देखकर डरे हुए हैं, तो वो वहां से वापस जाने लगी। लेकिन तभी सुनो, रुक जाओ, हम नहीं जानते कि तुम कौन हो, अच्छी हो या बुरी, लेकिन तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, और इसके बदले में अगर हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकें तो जरूर बताना। सरपंच की बात सुनकर चुड़ैल रोने लगी। सरपंच जी, मैं पहले चुड़ैल नहीं थी, मैं तो एक सुंदर राजकुमारी थी। एक बार नवरात्रि पर हमारे महल में कन्या पूजन हो रहा था, तब मैंने गलती से कन्याओं के लिए बनाए गए भोजन को जूठा कर दिया, जिससे गुस्साई एक कन्या की माँ ने मुझे चुड़ैल बनने का श्राप दे दिया था। बस तभी से मैं एक चुड़ैल बनकर घूम रही हूँ। ओहो, ये तो बहुत गलत हुआ। ये बताओ बेटी, क्या हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते? कर सकते हैं सरपंच जी, बस आप ही कर सकते हैं। तो बताओ, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। ये श्राप तभी हटेगा जब मैं 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं बेटी, माता रानी के नवरात्रे बस कुछ ही दिन दूर हैं, तो इस बार गांव के मंदिर में कन्या पूजन तुम्हारे ही हाथों होगा, ये वादा है मेरा। गांव के सरपंच ने अपना वादा पूरा किया। नवरात्रि के 9वें दिन चुड़ैल ने आकर गांव के मंदिर में अपने हाथों से प्रसाद बनाया और फिर 9 कन्याओं का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया। सभी कन्याओं को भोजन खिलाने के बाद जैसे ही चुड़ैल ने सभी कन्याओं के चरण छुए, उसका श्राप मिट गया और देखते ही देखते वो एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। उसे ऐसे देखकर सभी लोग खुश थे। तभी एक बच्ची ने कहा, सरपंच जी, अब तो आप मान गए ना कि हमारी सहेली एक अच्छी चुड़ैल, मेरा मतलब है कि एक अच्छी राजकुमारी है। बच्ची की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। अब सब ठीक था, राजकुमारी श्राप से मुक्त हो चुकी थी और तीनों बच्चियों को भी अब अपनी सहेली से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।